की फाइनल लुक है। आप देखें, ऐसे ही आगे दोस्तों से भी शेयर करें। आप बहुत इजी गला है, कोई मुश्किल गला नहीं मैंने बनाया। आप ये बहुत रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज आपके लिए गले की कटिंग लेके आई हूँ। कटिंग नजर आ रही, ये मैंने पेपर लिया है। मेरा कागज़ थोड़ा सा मेरा हार्ड है, ये आप मैंने ये लिया है। अब मैं आपको गले की कटिंग बताती हूँ। ये मैंने इतनी चढ़ाई तकरीबन मेरे 10 इंच की है। ये मैं इधर इसको पिन लगाऊंगी। ये बुकरम का मैं नहीं काट रही, मैं पेपर का काट रही हूँ। ये देखें, ये आपने देना है 3 इंच। 3 साढ़े अपने गले के साइज़ के हिसाब से होता है। ये ऊपर वाली जगह मैं इसको 3.5 लूँगी। थोड़ा सा गले की चढ़ाई मुझे ज़्यादा चाहिए। गला कुछ इस तरीके का है, क्योंकि टाँव ही है थोड़ा सा इसमें है, इतना नहीं है भाई, बहुत मुश्किल। ये मैं लूँगी इसकी 7 इंच, ताकि मेरा 6.5 गला टिक जाए। ये मैंने इधर निशान लगाया। और मैं गले को कटाऊँ, आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही आपने ट्रेस रहे। ये मैंने 1 इंच पे इधर निशान लगाया, ऐसे लगाया मैंने इसको 1/2 इंच पे इस तरीके से भी लगाया। आगे मैंने लगाया इसको थोड़ा सा टेढ़ा रख के, ऐसे ये मैंने ऐसे लगा लिया। अब मैंने इसको भी थोड़ा सा इस तरफ को टेढ़ा करना है, ऐसे लगा लिया। अब दूसरा निशान आपने इस तरीके से ही, तीसरा कटाव जो बनना है मेरा, ये भी मैंने इतने ही गैप से, ये देखें 1 इंच का गैप से 1 इंच का आएगा। ये चीज लेने, ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा कम होगा। ये मैं इस तरीके से लूँगी। इसका भी मैं, ये देखिए, ये मेरा है 1 इंच कटाऊँ। अब मैं ये भी 1 इंच ही लूँगी इस तरीके से। ये मैं इस तरीके से ले लूँ। आगे मैंने गलाई करनी है। गलाई मैंने इसके साथ इधर से लेनी है। अगर आपको ये चीज़ ज़रा कम लग रही है, आप थोड़ा सा इसको डीप कर दें। और बाहर भी ऐसे ही आप 1-1 इंच का मार्जिन रख के आप ऐसे इसको ट्रेस लें। ये गला मेरा अंदर का है, ये मेरा बाहर का है। अब मैं आपको इसको कटिंग बताती हूँ। कटिंग आपने इसलिए, ताकि कटान छोटे छोटे होते हैं, ये कटाव ज़रा अच्छे तरीके से निकल आए। गले की कटिंग सही होगी तो सिलाई भी सही होगी। पूरी कैंची खोल के आप छोटी कटिंग ना करें। ये नोक से ही ज़रा सही बन जाता है। जो बहन मेरी देखती हैं, ज़रा अच्छे तरह गौर से देख लिया करें, फिर आप कटिंग करें, बनाएं, अच्छे बन जाते हैं डिज़ाइन। अपनी मेरी पूरी वीडियो देखें, आगे दोस्तों से भी शेयर करें। न्यू बहन है मेरे चैनल को देखने वाली, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। लाइक ज़रूर कर दिया करें। काट काट के वीडियो जो देखते हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं, ना आपके नॉलेज में आता है, ना मुझे सपोर्ट होती है। आप सपोर्ट करते तो हो, कहते हो कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, मगर हमें सपोर्ट नहीं होती, बस एक आपकी खाना पूरी होती है। आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें। ये देखें, ये मेरे इसकी लुक निकली गले की। अब बीच का काम जो आपने करना है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके का। ये मेरा गला बड़ा साइज़ है। ये आपका, आपने अपने हिसाब का साइज़ लेना है। मैंने बड़े साइज़ का लिया, जितना आम फुल बड़ा गला होता है, ये होता है। आपको कटिंग बताई है, अब मैं आपको बुकरम पे ट्रेसना बताती हूँ। आपने साइज़ कितना लेना है। ये मेरा है फुल साइज़, बड़ा साइज़, जो हेल्दी होती हैं। ऊपर से चढ़ाई, मैंने वो चढ़ाई कम वाला बनाना है आपको। गला मैं आपको कम चढ़ाई वाला बता रही हूँ। ये कम चढ़ाई आपने ज़रा अपने बुकरम के हिसाब से लेनी है। ये मैंने बुकरम की तय लगाई। देखिए, इधर आप पिनअप कर लिया करें, ताकि आसानी हो जाती है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ। कटिंग करना। ये देखिए आप इस तरीके से रख सकते हैं, मैं आपको साइज़ भी बताती हूँ। ये आप चीज़ लें, ये 3 इंच, ये मैंने 3 पे निशान लगा लिया। इसके लेते हुए ये बुकरम में जाया होंगी 6.5 पे, इनको मैं 6 पे गला इसको तैयार करूँगी। इस तरीके से इसका बॉक्स बनाया जी। चलो ये देखें, ये मैंने इसका अपना साइज़ ले लिया जितने साइज़ का मुझे गला चाहिए। अब मैं इसको रख के आपको बताती हूँ। ये आपने पहले आपने लेनी है आपने इसकी ये चीज़, ये देखें मेरा इतना बड़ा साइज़ है गले का, आपने अपने हिसाब से लेना है। ये मैं नॉर्मल गला आपको बता रही हूँ, बुकरम का मुझे नॉर्मल चाहिए। अब इस तरीके से इसका ये हिस्सा पहले इधर से ट्रेस ये निशान लगाया, ये इस तरीके से ये मेरा गला अंदर का मैंने ये ट्रेस है, बाहर का आपने शेप। ये देखें मेरी पूरी जो है 3 इंच का, ये मेरा भी 3 इंच का आ जाएगा। ऊपर का हिस्सा आपने इस तरीके से लेना, ये मेरा गला बहुत सही तरीके से ये तैयार हो जाएगा। ये मेरा पर कटिंग, ये देखें ये मेरा गला मेरा कटिंग हो गया है। ये कटिंग वाला गला मेरा ये शेप का बना है, ये देखें बिल्कुल साइज़ इसका बिल्कुल सही है। इसको बताती हूँ, ये देखें ये 7.5 हो गया। आपको चाहिए थोड़ा सा तो आप इसको इस तरीके से करके अंदर भी लगा सकते हैं। फालतू कपड़े पे ये बुकरम चिपका लिया, मेरी शेप बिल्कुल ये आई है। अब मैं अंदर का हिस्सा आपको बताती हूँ। ये देखें मैंने पूरा 7 इंच का है, मैंने 6.5 का इसको करा था। ये 7 इंच का ये हिस्सा है मेरा, और ये भी मेरा पूरे 7 का है। ये ऊपर से सिलाई का है, ये मैंने सिलाई का छोड़ा हुआ है, इसको कटिंग कर दूँगी। अब इसकी कटिंग में इतनी इतनी मार्जा रख कर इसकी कटिंग करें। ये आप इधर टुक लगा लें इस पर, मैं कमीज पे तैयार करूँगी। मैं इस तरीके की इसकी आपको गोल बताती हूँ, मैं पहले भी बताती रही। ये चीज़ डोरी बहुत अच्छी बन जाती है टाइट। इतने कपड़े से भी आप कपड़ा बचा सकते हैं, थोड़ा सा तरीका आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा बन जाता है। कम से कम इंच से 1.5 इंच आपकी ये डोरी का कपड़ा होना चाहिए। ये गला तैयार हो जाएगा डोरी का। ये देखें इसको रेब वाली, ये देखें ये मेरा गला तैयार हो गया है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। ये मेरी डोरी है, ये मैंने डोरी बनाई है। ये देखें ये इतनी साइज की सही बन गई है मेरी डोरी पे। अब इस तरह तरीके से डोरी बनाएं, अब इस तरीके से इसको गले को रखें। अब हम लेंगे बीच के साइज़, थोड़ा थोड़ा मार्जिन सिलाई का भी हमने रखे हैं। ये डोरी जो मेरी है छोटा होगा हिस्सा, 2 पीस मेरे जो ज़रा इस साइज़ से बड़े होंगे। अब मैंने इनको इस तरीके से गिरा लगानी है। ये मैं रखूँगी ऊपर, ये रखूँगी नीचे। ये देखें इसको मैं इस तरीके से इसको डबल करूँगी। ये इस तरीके से रखें, इसको उल्टा के ये इस तरीके की आप घेरा लगा दें। ये देखें बहुत अच्छा ज़रा लगती है। इस तरीके से आपने मैंने घेरा लगाई है। ये मेरा एक किस्म का फूल समझो, ये तैयार हो जाएगा 6 कली फूल जैसे होता है। अब मैं आपको लगाना बता दूँ। ये देखिए ये इस तरीके से आप इसको सिलाई लगाएँ, ना पीछे रख के इसको रोकी मशीन। ये मैं इस तरीके से इसको घुमा के ये ऊपर वाली जो छोटी मैंने रखी है मैं वो इसके नीचे दूँगी। दे दो मैं लगाऊंगी इससे। तरीके से आपकी मदद से आप बराबर इसको करें। ज़रा नोक पे ये डोरी लगानी ज़रा मुश्किल होती है मगर लग जाती है आसानी से। ये सेंटर वाला जो है ना, आप इसको बराबर करते हुए सेंटर वाली की लगाएं जहाँ तक आपने इसको टकाना है। ये बल आ रहा है, ये मैं इधर से जब आऊँगी ना इसको फिर मैं सेट करूँगी। बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, जब इधर की आप इधर की डोरी आपने जो इधर लगाई है वो ही इधर लगानी है। एक मेरी डोरी ऊपर के हिस्से के लिए ये बच जाएगी। आपने ये चीज़ को बराबर करना है। आप इसको थोड़ा सा खींच के इधर कर सकते हैं। ये देखिए, जितना कटाना है मेरा उतना ही मैंने साइज़ इधर वाली का भी लेना है। हमें दूसरे भी लगाते हुए ऐसे ही इसको देखना भी ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो। हमें इसको थोड़ा सा जहाँ तक इसको खींच लूँगी, इसको खींचती हूँ तो गला ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना। हम इसको बराबर करेंगे। ये देखें, ये मेरा गला मेरा तैयार हो गया। ये देखें, ये मेरे गले की ये लुक आई है। अब मैं आपको बैक साइड स्टिच करती हूँ। बैक साइड क्या की है, ये देखिए मेरी इतनी इतनी डोरियाँ अंदर है। ये मैंने डबल सिलाई इसकी लगाई है। अभी ये डोरी भी मेरी इधर तक है, ये भी इधर तक है। कम से कम इतनी इतनी डोरियाँ आपकी फालतू होनी चाहिए। ये बैक साइड की मैंने कटिंग कर ली। ये मेरे गले की फाइनल लुक है। आप देखें, ऐसे ही आगे दोस्तों से भी शेयर करें। आप बहुत इजी गला है, कोई मुश्किल गला नहीं मैंने बनाया। अभी बहुत मुश्किल है मगर लग भी प्यारा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है मेरा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों से शेयर करें। आप मुझे सपोर्ट करें। ऐसे ही गले मैं आपके लिए प्यारे प्यारे गले लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।